Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, साजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल ने औकात वाले बयान पर माफी मांग लिया है। मामले ने तूल पकड़ा तो राजधानी भोपाल से कलेक्टर से जवाब मांगा गया। अब मामले को शांत करने के लिए कलेक्टर ने कहा है कि अगर किसी को दुख पहुंचा है तो माफ कर दे। कलेक्टर किशोर कन्याल ने बताया, जिला और पुलिस प्रशासन ने जिले में 250 ड्राइवर्स की मीटिंग बुलाई थी। दरअसल सोमवार को उनमें से कई ड्राइवर्स ने काफी उपद्रव मचाया था। इसी के चलते कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग बुलाकर ड्राइवर्स को समझाइश दी जा रही थी कि कानून को हाथ में न लें, प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विरोध जताएं। इसी दौरान मीटिंग में शामिल एक शख्स बार बार खलल डाल रहा था और कह रहा था कि 3 जनवरी तक मांगे नहीं मानी तो हम किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। उसी दौरान यह शब्द मेरे मुंह से निकल गए थे, यदि किसी को मेरी बात से दुख पहुंचा हो तो माफी मांगना चाहता हूं। दरअसल केंद्र सरकार के हीट एंड रन को लेकर नए कानून के विरोध में मध्य प्रदेश के साजापुर में ड्राइवर एसोसिएशन ने सोमवार और मंगलवार को उग्र आंदोलन किया। प्रदर्शन करते हुए हाईवे पर चक्का जाम कर दिया गया और इस मामले में मंगलवार को कलेक्टर किशोर कन्याल ने ड्राइवरों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान कलेक्टर ने कहा कि कोई कानून को अपने हाथ में नहीं लेगा। कलेक्टर की समझाइश के बीच एक ड्राइवर बोल पड़ा, अच्छे से बोलो, अगर 3 तारीख तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह सुनते ही कलेक्टर साहब तिलमिला उठे और बोले, गलत क्या है इसमें, समझ क्या रहे हो, क्या करोगे तुम, तुम्हारी औकात ही क्या है। ड्राइवर ने कहा कि यही तो लड़ाई है सर, कि हमारी कोई औकात नहीं है। कलेक्टर ने कहा कि लड़ाई ऐसे नहीं होती है, कृपया करके कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, आपकी सारी बातों को सुनने के लिए यहाँ बुलाया गया है। अब समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में यात्री बसों के चालकों ने हीट एंड रन मामले में संबंधित नए कानून को वापस लेने की मांग को लेकर काम बंद कर दिया। जगह जगह प्रदर्शन कर रहे, इस वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार और मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शन में ट्रक, टैंकर और बस चालक भी शामिल थे, जिसके सामान की ढुलाई और यात्रियों का आवागमन प्रभावित हुआ। ट्रक चालकों के हड़ताल के कारण पेट्रोल डीजलों की आपूर्ति प्रभावित होने के भय से शहरों में पेट्रोल पंप के सामने लोगों को लंबी लंबी कतारें लग गई। 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए जुर्माना है, 7 लाख का जुर्माना। ट्रक चालक, मोटर चालकों से जुड़े हीट एंड रन दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड कानून के प्रावधान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को प्रावधान के लापरवाही से गाड़ी चलाकर गंभीर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले और पुलिस या प्रशासन के किसी भी अधिकारी को सूचित किए बिना भागने वाले वाहन चालकों को 10 साल तक की सजा या 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। प्रदर्शनकारी वाहन चालकों का कहना है कि नए कानून में अनुसार हिट एंड रन मामलों में 10 साल की जेल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, जो बहुत कठोर है। जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जो है वो विरोध जारी रहेगा। बाकी जिस तरीके से कलेक्टर ने माफी मांगा है उसको लेकर आपकी राय क्या है, बताइए। धन्यवाद।